तो हमें अच्छा लगता है कि ये विशाल रूप जो माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति ने दिया है, इसको भगवती हमेशा बरकरार रखे और इसी तरह भक्तों की सेवा करती रहे। जय माता दी। समिति के द्वारा हम लोगों को सभी को पहले भेज दिया जाता है वहाँ पे। आप, मैं माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ष मुझे ऐसे ही यात्री दें और उन यात्रियों की मैं कितनी सेवा, उन भक्तों की मैं जितनी सेवा कर सकूँ, ऐसा मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, के चरणों में निवेदन करता हूँ। और आप भक्तों ने जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय माता दी। मैं जब टिकट चेक करने जाता हूँ तो जिन भक्तों के पास बैच रहते हैं वो तो अपने बैच मुझे दिखाते हैं खुशी खुशी, पर जिन भक्तों के पास बैच नहीं रहते हैं उनका मैं बैच देता हूँ और उनसे जो भी राशि रहती है बैच की वो लेता हूँ। उनसे यदि जब मैं 500 रुपए की डिमांड करता हूँ तो उस समय वो थोड़ा सा ज़रूर नाराज़ होते हैं, पर जब यात्रा करके लौटते हैं तो वही भक्त मुझसे कहता है कि भैया मुझसे 1000 रुपये भले आप और ले लेना, लेकिन मैं आपकी दोबारा जो यात्रा जाएगी उसमें ज़रूर चलूँगा आपके साथ। टिकट चेक करते समय यदि मुझसे कोई कठोर शब्द, अनजाने में कोई गलती मुझसे यदि हुई हो तो मैं यात्रियों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगता हूँ। जय माता दी। सर, आप इस यात्रा में कई सालों से आ रहे हैं, 7 सालों से आ रहे हैं, इस बार आपको न्यायाधीश की कुर्सी दी गई, आपने इस ट्रेन में कोई न्याय किया? जी हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं हो पाई जिसके लिए न्याय करने की जरूरत पड़ती। बहुत ही शालीनता के साथ सभी ने माता के दर्शन किए और सभी मिलकर मतलब जयकारे लगाते रहे, ऐसा कोई कारण ही नहीं हो सका जिसके कारण कुर्सी पिराकर न्याय करना पड़े। ये हमारी समिति के सुरेश आसवानी जी हैं, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से ये समिति से जुड़े हैं, आइए इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। विगत 8 वर्षों से जो ये लगातार ट्रेन यात्रा ट्रेन चल रही है, इस वर्ष हमने एक नई चीज़ देखी कि हमारे साथ कई नवयुवक साथी और जुड़े और उत्साह के साथ हम लोग का जो वजन, जो हम लोग के ऊपर मेहनत करनी पड़ती थी, वो इस बार जो है उनने पूरी की पूरी घटा दी और उनने दिन रात ऐसा लगा कर करके दिखाया है जो हम लोग ने नहीं किया था। ये एक उत्साह है, ये उत्साह है और कुछ नहीं, माँ की महिमा है और माँ के बच्चे सब हमारे साथ हैं, इसलिए यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी हमेशा। आप सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ सुरेश आसवानी और ये मेरे भाई सुधीर। आइए अब आपको मिलवाते हैं अपने सुधीर भागचंदानी जी से। जय माता दी। ये यात्रा पिछले 7 वर्षों से चल रही है और जैसे जैसे वर्ष गुजरते जा रहे हैं हम लोगों का उत्साह दुगना होता जा रहा है। हर बार हर साल नए नए हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं और इस यात्रा में किसी एक का सहयोग नहीं है, हर किसी के सहयोग से यात्रा पूरी होती है। और इस यात्रा में हमारे 5 दिन कैसे गुजर जाते हैं हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मुझे माँ वैष्णो देवी यात्रा कहीं से भी, देश में कहीं से भी जा रही होती है, अगर मुझे याद किया जाता है या मेरे लायक उसमें कहीं सेवाएं होती हैं तो मैं ज़रूर उसमें भाग लेता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा की सेवा कर सकूं। और ये तो हमारे सावल भैया का बड़प्पन है जो उन्होंने पूछा कि इस बार 2 ट्रेन जाएगी तो कौन जाएगा, तो मेरे साथ मेरे 2-3 मित्र लोगों थे, उन लोगों ने भी मेरे साथ हाथ उठाया कि आप 1-2 नहीं 3 भी बोलोगे तो हम लोग साथ में जाएंगे। जय माता दी। हमारी समिति के जो सूत्रधार हैं सावल भैया, जिनकी मेहनत आज इतनी रंग ला रही है कि पूरे भारतवर्ष से जिस शहर से देखो उस शहर से ट्रेनों का रेला निकल पड़ा है। मैं भैया से ये जानना चाहता हूँ कि अब उनको कैसा लग रहा है और आगे इसका रूप क्या होना चाहिए। जय माता दी। माँ जगदम्बे की असीम कृपा से आज हमारी यात्रा संपूर्णता की ओर है। इस यात्रा में हमें यात्रियों का जो सहयोग मिला और आशीर्वाद मिला और उनकी प्रसन्नता जो जाहिर हो रही उनके चेहरे से, सचमुच ये माँ जगदम्बे की ही कृपा है। और हमारे समर्पित सेवाधारी जिन्होंने दिन रात एक करके पूरी तरह से अपने आप को इस यात्रा के प्रति समर्पित कर दिया, ये सारा श्रेय, ये सारी यात्रियों की जो प्रसन्नता है उन लोगों की सेवा के कारण है।
मैं माँ जगदम्बे से प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसे ही सहयोगी एवं मधुर व्यवहार वाले यात्री मिलते रहें और इसी तरह से सेवाधारी और सहयोगी हमको मिलते रहे, तो ये यात्रा इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस कार्य में अपना समय दिया, अपना सहयोग दिया। जिस तरह एक पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसके बेटे उसका काम संभालने लगते हैं, वैसी ही प्रसन्नता मुझे हो रही है और मैं अपने आप को बहुत ही आरामदायक महसूस करता हूं कि हमारे साथ ऐसे सहयोगी जुड़ गए हैं, ऐसे हमारे प्रेमी जुड़ गए हैं कि अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है मैं रहूँ ना रहूँ ये यात्रा चलती रहेगी। जय माता दी। माँ जगत जननी की कृपा से हम लोग, ये 7वां साल है यात्रा का, बहुत आनंद से यात्रा सभी करते हैं और बड़ा आनंद आता है और मैं समझता हूँ ये माँ की कृपा है जो हम लोग सभी यात्री एक साथ जाके माँ के दर्शन का लाभ लेते हैं और बहुत प्रेम से यात्रा का समापन भी होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी यात्रा हमेशा होती रहे और माँ की हमेशा हम सबके ऊपर कृपा बनी रहे। मेरा माँ से के चरणों में ही प्रार्थना है कि हमेशा हम लोग प्रेम पूर्वक ऐसी यात्राएं करते रहें और लोगों को लाभ इसका मिलता रहे। जय माता दी। पहली चीज़ तो ये माता रानी के आशीर्वाद से और सभी यात्रियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की समर्पण की भावना से ये भी यात्रा बहुत सुखमय चल रही है। पूरी तरह हमको यात्रियों का सहयोग मिला है, कहीं भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं उनसे पूरा सहयोग मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से आगे भी यात्राएँ बहुत बढ़िया होंगी। जय माता दी। भैया जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले कुछ लोग जाते थे, फिर एक उसको ट्रेन का रूप दिया, अब एक ट्रेन की जगह कई शहरों से ट्रेनें जाने लगी, अब उन शहरों के साथ साथ जबलपुर से 5 ट्रेन जाने लगी, अब उसको आप कैसे मतलब चलाएंगे, क्या होगा आगे? हम लोगों की यही इच्छा होती है, जिससे यात्री के मन में भी दर्शन की इच्छा हो, हम लोग यही सोचते वो चले। अगर जैसी माता रानी का आदेश होता है, जैसी प्रेरणा मिलती है, ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं। वाह क्या बात है। हम तो सब ये तो भाई तय माता ही को करना है ना। जय माता दी। देखिए सच बात यह है, माता रानी की कृपा से हमारी यात्राएं बहुत अच्छी चल रही हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई थी कि जिन्होंने यात्रा नहीं की उनको माता रानी के दर्शन कराए, जो सक्षम नहीं है, और इसी भावना से हमारे कई साथियों ने मिलकर यात्रा शुरू करवाई। हुआ ये कि पहली ही यात्रा में लोगों को इतना आनंद मिला कि कंटिन्यूशन में हर यात्री चाहता कि मैं दोबारा जाऊं। तो हमारा जो मोटिव था कि नए नए यात्रियों के भी हम यात्रा करवाएं, वह उतना पूरा नहीं हो पाया। मजबूरी में सबको बिफोर लास्ट ईयर भी 2 ट्रेनें करनी पड़ी, क्योंकि लोगों में इतनी श्रद्धा है माँ के प्रति, इतना उत्साह है। इस साल भी 2 ट्रेनें सामूहिक यात्रा के लिए गई, जो कि आज वापसी है हमारी। लोगों का उत्साह देख के हम लोग भी कभी कभी डावाडोल हो जाते हैं, कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, माता रानी हर काम को आसान करवाती जाती है। लोगों में प्यार, मोहब्बत, जोश, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है। आने वाले साल में कैसे हम इस आयोजन को और विराट रूप देते हैं, यह ज़रूर सोचने का विषय है। उस पर ज़रूर हमारे सभी साथी विचार करेंगे। जय माता दी। ये दया भाई गोंदिया से जो आते हैं हमारी पूरी यात्रा स्पेशल टीम के सहयोग के लिए। सर आप दोनों ट्रेनों में गए, आपका क्या आपने उसमें अनुभव क्या है आपका, दोनों ट्रेनों में पहली बार आपका इतना जो काम था उसका अनुभव आप जानना चाहते हैं सभी लोग। अनुभव क्या है, भगवती का आदेश हुआ और हम सेवा करने चल पड़े। दिमाग में कुछ भी नहीं सोचा था कि हमको दोनों ट्रेन में जाना है, भगवती का आदेश हुआ और हम चल पड़े। संचालन की जहाँ तक बात है, संचालन अकेले किसी एक के दम पर नहीं होता है, आप सभी भाइयों का सहयोग रहा। किसी एक आदमी की ताकत नहीं है कि 2000 आदमी को ले जाए और लेके आ जाए। जब तक एक शक्ति तभी बनती है जब भाइयों का साथ होता है। सभी भाइयों ने, किसी एक का नाम मैं नहीं लूँगा, सभी हमारी समिति के जितने सदस्य हैं सभी का सहयोग रहा और भगवती की असीम कृपा हुई कि हम दूसरी ट्रेन की यात्रा दर्शन करके वापस पहुँचने वाले हैं। थोड़ा बहुत प्रशासन से तकलीफ हुई, हमारी ट्रेन लेट हुई जिससे यात्रियों को कुछ असुविधाएं हुई, अब उसमें हमारा तो कुछ बस है नहीं। भगवती से यही चाहेंगे कि हर साल इसी तरीके की यात्रा होती रहे, हमको सेवा का मौका मिलता रहे और हमारी सेवा में किसी भी यात्री को कोई तकलीफ हो उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं,
प्रयास करेंगे कि अगली यात्रा इससे भी अच्छी हो। जय माता दी। तारू